शुरू किया जाए? हाँ, अभी 2 हफ्ते बाद एक तो शुरू कर रहे हो और पूछे हो कि शुरू किया जाए। जी बिल्कुल, पूछना डंडे तो पड़ेगा। अंडे टमाटर गरम मसाला युक्त सब कुछ पड़ने वाला है हमारे पर ऊपर। वो वैसे कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए, जब सुबह जागो तभी का सवेरा। भूला शाम को अगर घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, उसे अभिषेक तिलन झूला कहते कहते हैं, हैं। झूला कहते हैं। मुलानो, वी आर बैक, दिस इज टेक दरबार। अभिषेक तिलन, अंकित वेंगुलेकर, रियली सॉरी, 2 हफ्तों से टेक दरबार नहीं बनाए हैं। उसकी एक वजह है अभिषेक छुट्टी पे था, और दूसरी वजह यह है कि ये जो जनाब है छोटे छोटे कमजोर कंधों पे अब इतना भार आ गया है, क्योंकि टेक गुरु, टेक दरबार, 60 सेकंड के रोज के टेक न्यूज, जिसमें भी कभी कभी हम लोग ब्लंडर कर जाते हैं। गेट अ लाइफ, CNBC TV18 पे रोज सोमवार से शुक्रवार। और अब आवाज ओवरड्राइव, जो बाकायदा पूरा आधे घंटे का ऑटो रिव्यूज, व्यूज, न्यूज, ओपिनियंस वाला शो है। और इसके अलावा पूरे TV18 के सोशल मीडिया का दारोमदार भी CNBC आवाज के सोशल मीडिया का दारोदार। हम दोनों के ऊपर ही इसके है। अलावा फोटोग्राफी, इसके अलावा म्यूजिक, म्यूजिक, मतलब कितना क्या क्या करेगा एक एक मिनट, मैं इंसान। भी काम करता हूँ टेक गुरु, रियल एस्टेट टीवी, इसके अलावा जो वीडियोस जो हम दोनों साथ में करते हैं वो और तो है एक ही। सीक्रेट, टॉप सीक्रेट, कॉन्फिडेंशियल प्रोजेक्ट जो बहुत जल्द शायद ऑनर हो सकता है, वो वाला। अच्छा, कौन सा वाला? अबे अरे वो वाला जिसके ऊपर अभी काम कर रहे थे इसके पहले। हाँ, हाँ, वो वो टॉप वाला वो वाला सीक्रेट वाला है। हाँ, वो भी जल्दी काम बढ़ने वाला है। तो प्लीज माफ कर दो यार, आप लोग बड़े इनसेंसिटिव हो जाते हो। एक तो इतना टाइम वाइम निकाल के हम लोग अपने पर्सनल टाइम में से ये करके आपके लिए एक तो टेक दरबार बनाते हैं, इतना इतना इनसेंसिटिव होना गलत बात थोड़ा है। सा पेशेंस रखना अच्छा होता है, सब्र का सीरियसली, फल मीठा होता है। और सीरियसली, इसी मीठे फल को अब शुरू करने जा रहे हैं टेक दरबार। आज का पहला सवाल पूछा है अवित कौशिक ने, मुझे अवित नाम पसंद आया। एक सेकेंड, उसके पहले, अच्छा नाम है, तुम्हारे बेटे का नाम तुमने ऑलरेडी रख दिया, अभी नए नए नाम मत ओके, सोचो। जाबरा, वो होता है ना ये है जो ब्लूटूथ ब्लूटूथ हेडसेट। हेडसेट, उसी कंपनी का जाबरा सोलमेट मिनी, बढ़िया सा ये ब्लूटूथ स्पीकर है, 5,000 का है, प्राइस बड़ी महंगी और साथ में एमकेट, जिसकी फ्लॉपी डिस्क आया करती थी एक जमाने पहले, तो है। वो एमकेट का एक ये नया ब्लूटूथ मेटल स्पीकर आया, एमकेट मेटल 2,500 रुपए स्टार का है। ब्लूटूथ, 2,500-3,000 रुपए का है। सो लॉट ऑफ ब्लूटूथ स्पीकर्स कमिंग अवे, लॉट ऑफ हेडफोन्स कमिंग अवे, दैट इज एन एपिसोड दैट्स लॉन्ग ओवरड्यू अभिषेक, जहां पे हम हेडफोन्स, ईयरफोन्स, ब्लूटूथ स्पीकर्स ये सब बताएं, अरे वादे मत सब करो, बताएंगे। सरकार की मैंने कहा तरह। इट्स लॉन्ग ओवरड्यू, करेंगे बहुत जल्द करेंगे। चलिए सबसे पहला सवाल एक भेजा सेकंड, ये है, रिकॉर्ड हो रहा है क्या, देख लेना। कैसे करते हैं यार ये लोग, कितने हो रहा है, अनप्रोफेशनल हैं यार। अबे चुप हो रहा है। हाँ चलो, सबसे पहला सवाल भेजा है, फिर उठ गया सीट से। हाँ हो रहा है, हो ये रहा अमित है, कौशिक के साथ आपसे कुछ जरा पर्सनल दुश्मनी लगती है गो मुझे। अहेड। सबसे पहला सवाल, अमित कौशिक नाम आपका बहुत ही खूबसूरत है, और सवाल इन्होंने पूछा है कि इन्हें नया फोन खरीदना है, कंफ्यूज है S4 mini खरीदें या सैमसंग गैलेक्सी S3। मैं नहीं कहूंगा, तुम बता दो यार जवाब, ये बहुत बार बोल चुके हैं हम लोग मेरे हिसाब नेटवर्क। से S4 mini ज्यादा सही रहेगा, अच्छा फोन है। S3 थोड़ा आउटडेटेड हो गया S4 mini में, हालांकि डुअल कोर प्रोसेसर है, S3 में क्वाड कोर प्रोसेसर दिया हुआ था, बट S4 mini मेरी वेट अ चॉइस। सेकेंड, दिस इज नॉट वॉट आई वुड हैव सेड, आई वुड टोटली से गो फॉर गैलेक्सी S3, क्योंकि गैलेक्सी S3 पिछले साल का फ्लैगशिप है, एंड इवन नाउ इट इज वन ऑफ द मोस्ट सुप्ड अप हार्डवेयर। बट इनका बजट कितना बताया है इन्होंने, बजट इन्होंने नहीं बताया, तो तो S3 इज रफली अबाउट 26-27 का मिल रहा है मार्केट में। हाँ लगभग उससे 2,500-2,500 रुपए और सस्ता मिल रहा है S4 mini, तो अगर सस्ते बट में अगर जाना है तो अगर S4 आपका mini। 27 तक का बजट है, देन बॉस व्हाई नॉट जस्ट बाय द LG Nexus 5। एग्जैक्टली, LG Nexus 5 अभी लेटेस्ट आया है, और इनफैक्ट उसे खरीदने के लिए आपको लाइन में खड़ा जरूर होना पड़ेगा, बिकॉज कहीं मिल नहीं रहा है आसानी से। अगला सवाल है, आशिमा अग्रवाल ने पूछा है, Nexus 5 या LG G2 कौन सा फोन खरीदा जाए, क्योंकि हमने G2 को भी अच्छे मार्क्स दिए थे, अब यहाँ कंफ्यूजन हो गया है। Nexus 5 और G2 में कंपैरिजन नहीं है, क्या नाम बताया, आशिमा अग्रवाल। आशिमा, देयर इज नो कंपैरिजन यार, बिकॉज प्राइस में कंपैरिजन नहीं है। द Nexus 5 इज 30,000 rupees for the 16 GB and roughly 33-34 for the 32 GB and Nexus and LG G2 तो जबरदस्त है, वो सुपर सोनिक जेट है। No, I know, but that is also price at 37 या 38 का कुछ मिल रहा है G2, depending on कौन से हिस्से से आप देश के, because अलग अलग taxation होता है, but if price is no bar, तो हम बार बार लगातार यही कहते आ रहे हैं दैट LG G2 इज द फोन ऑफ द ईयर, 2013 का बेस्ट एंड्रॉइड फोन है,
एक दो क्वर्क्स है उसमें, जैसे जो बैक का जो पावर बटन है शायद आपको पसंद नहीं आएगा, तो इन दैट केस यू कैन चेक आउट द S4 और द Nexus 5, बट दोनों अपने अपनी श्रेणी में, अपने अपने प्राइस सेगमेंट में उम्दा फोन्स हैं। इनसे बेहतर इनफैक्ट LG ने राज कर दिया अभिषेक 2013 में, 30,000 में बेस्ट फोन बना दिया, 40,000 में बेस्ट फोन बना दिया, बोलो प्रीमियम मार्केट पे कैप्चर। अब बस 20,000 का एक और कोई सस्ता बढ़िया सा फोन बनाया, जैसे उनकी एक सीरीज आया करती थी कुछ साल पहले तक, नाम ध्यान नहीं आ रहा, कुकी, एग्जैक्टली LG कुकी नाम 10 वाला था, 10-11,000 वाला, और 10,000 में तो अगर लॉन्च हो जाएगा ना, मां कसम 2014 में राज कर देगा मोटो जी। अगर 12,000 रुपए का लॉन्च हो गया मोटो जी, जो कि आप कन्वर्ट करके प्राइस लगा लो US में जितने का बिक रहा है 11.5 के करीब, आग लगा देगा यार, तबाही कर देगा इस मार्केट में, बिकॉज जिस किस्म के स्पेसिफिकेशंस है मोटो जी में, ओ हो हो जबरदस्त है। अगला सवाल और भी ज्यादा जबरदस्त है, अमरेश विश्वास ने कोलकाता से अमृता, और इन्होंने पूछा है कि ये रॉ इमेज और बोके का मतलब क्या होता है। रॉ तो बेसिकली खाना खाना पसंद करते हैं हम, खिलाना भी पसंद करते हैं, पकाना तो और भी ज्यादा पसंद करते हैं। ये रोज रात को अपने डॉगी के लिए खाना बनाता है घर जाके, मैं अपने आप के लिए खाना बनाता हूं, तो खाने की एनालॉजी से अगर आपको हम बता दें, रॉ बिल्कुल वैसे है, कच्चा, एकदम कच्चा सैलेड, कच्चा तो, और जो जेपेग होता है वो होता है पका हुआ खाना। तो क्या होता है रॉ, कच्चे खाने का फायदा क्या होता है कि भाई आप अपने हिसाब से रफेज मिलता है और अगले दिन सुबह पेट अच्छे से साफ होता है। हाँ, तो रॉ इमेज का ये होता है कि आप जो फोटो एडिट करते हैं उसमें एक एक छोटी 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 से छोटी बारीकी भी काफी अच्छे से नजर आती है। एंड व्हाई डज दैट हैपन, सी रॉ इज अ कोडेक, एक फॉर्मेट है जिसमें इमेजेस जो डेटा होता है वो स्टोर होता है। रॉ इज एन अनकंप्रेस्ड कोडेक। ओके, अनकंप्रेस का मतलब क्या होता है, जो आपका पूरा सेंसर होता है किसी भी, जैसे फॉर एग्जांपल निकॉन D610 मेरे पास कैमरा है, वी गॉट इट फॉर रिव्यू, इट इज वन ऑफ द मोर रीजनेबल फुल फ्रेम कैमरा निकॉन की तरफ से, जो FX कैमरास हम कहते हैं। सो D610 में 35mm साइज का सेंसर होता है, सेंसर के ऊपर जितना डेटा वो रीड करता है, जो फोटॉन्स को कन्वर्ट करके डेटा में तब्दील करता है, ये डेटा अनकंप्रेस्ड फॉर्मेट में आपके SD कार्ड पे जब राइट होता है उसे रॉ फाइल कहते हैं। रॉ फाइल की जो साइज होती है बहुत बड़ी होती, अगर आपकी JPEG 5-6 MB या 10-11 MB की होगी, रॉ फाइल 30-35-25 इतने MB की एक फाइल होती है, बिकॉज इट राइट्स सो मच मोर डेटा और अनकंप्रेस्ड होता है। जैसे अभिषेक ने कहा अनकंप्रेस होने का फायदा, ये रॉ इंग्रेडिएंट है, ये इससे अपने हिसाब से कैसे भी ढाल लो, कैबेज समझ लीजिए, कच्चा कैबेज है, इसके साथ आप कोल स्लॉ जो कॉन्टिनेंटल सैलड होता है वो बना सकते हैं, आप किमची बना सकते हैं जो चाइनीज होता है, नॉर्मल पत्ता गोभी की भाजी भी बना सकते हो, एक्जैक्टली, या फिर आप मराठी मध्ये काय म्हणतात त्याला, कोथिंबिरीचं काय धुणस नाही काहीतरी बनवतात, भूल गया मैं, तो बेसिकली इट्स अ रॉ इंग्रेडिएंट, राइट, यू कैन डू एनीथिंग। तो फोटोशॉप में जो लोग टचअप करते हैं कई सारे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, एक्सपोजर को ऊपर नीचे करना, सैचुरेशन को, कॉन्ट्रास्ट को, शेडोज अगर हैं उसको ज्यादा ओपन अप कर सकते हैं, बहुत फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। जेपेग ऑन द अदर हैंड स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स, स्ट्रेट आउट ऑफ द कैमरा कलर्स को, बिकॉज वो कंप्रेस कर देता है डेटा को, कलर्स थोड़े ज्यादा टाइटर होते हैं, अच्छा सैचुरेशन, अच्छा कॉन्ट्रास्ट, तो पका पकाया थोड़ा सा आप उसको खाना समझ सकते हैं, जिसको आप थोड़ा कम डिग्री तक एडिट कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं जो ओरिजिनल कंपोजिशन, जो ओरिजिनल कंस्ट्रक्शन है आपके शॉट का, समझ में आ गया। अब रॉ बेसिकली एक ऐसा फीचर होता है, बिकॉज इट रिक्वायर्स अ लिटिल बिट मोर मसल पावर रॉ इमेज को कैप्चर करके अपने डेटा कार्ड पे, SD कार्ड पे लिखना, तो टिपिकली जो प्रोज्यूमर कैमराज होते हैं इनमें रॉ की काबिलियत होती है। ओके, पहला सेलफोन दुनिया का जो रॉ के साथ कैप्चर कर सकता है फोटो वो है नोकिया लुमिया 1020। उन्होंने काबिलियत दी हुई कि आप रॉ में शूट कर सकते हो, अनकंप्रेस्ड इमेज को और एडिट कर सकते हो। इनफैक्ट अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि गूगल के एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम में एक हिडन फीचर है जो उन्होंने चैलेंज किया है कि आप इसे अनकवर कर लो, कि एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स के जो कैमरा है उनकी मदद से आप रॉ इमेजेस खींच सकते हो। ये बहुत बड़ा एक लैंडमार्क होगा अगर मोबाइल फोटो हो सकता है, बट यू नो फ्रेंकली जो बंदा मोबाइल फोन से शूट करेगा अभिषेक, जो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम वगैरह पे अपलोड करते हैं, उन्हें क्या जरूरत है रॉ की, लाइक सीरियसली, बिकॉज जो नॉर्मल फोटो होता है उसी को डाउन स्केल करके
कुछ केबी की फाइल बना के आप इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर पे अपलोड करते हैं। बट जमाना बदल रहा है, जैसे कि हम यहाँ पर टेक दरबार जो शूट करते हैं वो किसी प्रोफेशनल कैमरे से नहीं बल्कि आईफोन से शूट कर रहे हैं, जो किसी प्रोफेशनल कैमरा से बिल्कुल कम नहीं है। हाँ, तो इस हिसाब से अगर रॉ इमेज आ गई तो रॉ फोटोग्राफ कैप्चर करने की कैपेबिलिटी स्मार्टफोन के अंदर आ गई, तो आप सोच सकते हैं कि आने वाले दिनों में एंड्रॉयड के कैमरा फोन किस हद तक गदर मचा सकते हैं, जैसे सनी देओल ने मचाया था ना गदर मूवी में हैंडपंप उखाड़ के। तो I have a different opinion on this because I love these, yeah. I love DSLR cameras, I love Micro Four Third cameras, interchangeable lens system के जो भी cameras होते हैं मुझे बहुत पसंद आते हैं। इनके ऊपर RAW justified है because lenses गजब की आप लगा सकते हैं, sensor size significantly larger है। I think cell phones have other priorities। कभी भी निकालो जेब से और मतलब मोमेंट को कैप्चर करने का सेल फोन सबसे बेस्ट है। एंड सेंसर साइज पे अगर उस पर ज्यादा फोकस करेंगे ना अभिषेक, तो जो क्या कहते हैं जो लो लाइट काबिलियत होगी वो बेहतर बनाए, तो ऐसी चीजों पे आई थिंक सेल फोन शुड फोकस ऑन इंस्टेड ऑफ रॉ, बट देन इट्स ओके। इन्होंने एक और इसका क्वेश्चन था कि बोके क्या होता है, बोके समझाइए, मुझे शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड जो है वो आप समझाइए, क्योंकि आप मुझसे ज्यादा अच्छे फोटोग्राफर हैं। थैंक यू सो मच। ऐसा नहीं है, अभिषेक भी अच्छी खासी फोटोग्राफी कर लेता है, जस्ट दैट मैं रोज मतलब मैं चैन से सो नहीं पाता हूं अगर मैंने DSLR को हाथ में पकड़कर कुछ फोटोज रोज ना खींचे तो मेरी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है फोटोग्राफी, एंड फोटोग्राफी इज फ्रैंकली जस्ट अबाउट दैट, यू ओनली नीड टू कीप शूटिंग एंड शूटिंग एंड शूटिंग एंड शूटिंग, देयर इज नो क्लासरूम और एकेडमी फॉर इट। सी बोके इज टिपिकली आपके फोटो में वेरी वेरी जनरल टर्म्स में अगर कहीं भी आपको डिफ्यूज्ड जो बैकग्राउंड दिखता है जिसे आउट ऑफ फोकस हम कहते हैं, जैसे अभिषेक की अगर मैंने फोटो ले ली विच यू कैन सी राइट नाउ ऑन योर स्क्रीन, अभिषेक की ये फोटो निकॉन D610 से मैंने ली है एंड अभिषेक का चेहरा बिल्कुल फोकस में है और पीछे जो लाइट्स आपको डिफ्यूज है आउट ऑफ फोकस दिख रही है, जो हल्की सी ब्लर दिख रही है, जो एस्थेटिक और आर्टिस्टिक लग रहा है, इसे बोके कहते हैं। Exactly. आमतौर पर यह गलतफहमी होती है कि सिर्फ रात के वक्त या यू नो लो लाइट में जो लाइटें टिमटिमाती वाली बत्तियां होती हैं वो अगर डिफ्यूज हो गई तो उसे बोके कहते हैं, बिल्कुल भी नहीं। नेचुरल डे लाइट में भी अगर आपके बैकग्राउंड में कुछ झाड़ पत्ते हैं और वो डिफ्यूज हो गए उसे भी बोके कहते हैं। और अगर बोके को अच्छी तरीके से कुछ एक्सपेरिमेंट करना सीखना चाहते हैं तो टेकब्रू पर हमने कुछ हफ्ते पहले एक स्टोरी की थी, कुछ महीनों पहले स्टोरी की थी, शानदार बोके मतलब डू इट योरसेल्फ टाइप है। आप यूट्यूब के चैनल के ऊपर हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका यूट्यूब का URL मिल जाएगा। बेटर फोटोग्राफी से अमरीन और मैंने मिलकर ये स्टोरी की थी, बहुत शानदार स्टोरी थी, वो देख सकते हैं। तो आपको कुछ और चीजें नई जानने की कोशिश करेंगे और अगर उससे कुछ वो चीजें सीख कर अगर आप कोई फोटोग्राफ खींचते हो हमारे साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कीजिएगा। एब्सोल्युटली। अगला सवाल भेजा है दुष्यंत सिंह चौहान ने और काफी रेलेवेंट सवाल है, वो ये पूछ रहे हैं कि ये फ्लिपकार्ट ईबे जैसी ये जो वेबसाइट्स होती हैं जहां पर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो, क्या यहां से कोई भी मोबाइल या कोई भी गैजेट खरीदना सेफ होता है? बिल्कुल सेफ होता है अगर मैं देखूं तो। बस उस पर यह ध्यान रखिएगा कि वो वेबसाइट का नाम जो है वो HTTPS नाम से शुरू होता हो। कुछ एक छोटी मोटी चीजें हैं, एकदम से ऐसी भी अननोन सी वेबसाइट ना हो जिसका नाम आपने आपने किसी फ्रेंड या किसी रिश्तेदारों ने ना सुना हो। जहां तक फ्लिपकार्ट और बाकी ये जो जानी मानी होम शॉप 18 टाइप वेबसाइट्स हैं इनके ऊपर तो सेफ है। मुझे आप कंजर्वेटिव कह सकते हैं, ऑर्थोडॉक्स कह सकते हैं, लेकिन मैं ये मेरा पर्सनल फिल्टर है, मैक्सिमम 10,000 रुपीज, 10,000 रुपए के वैल्यू तक के आइटम्स मैं कंफर्टेबल महसूस करता हूँ ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स से खरीदना, फिर चाहे वो अमेजोन हो, फिर चाहे वो ईबे हो, फिर चाहे वो मिंत्रा हो जहाँ से कपड़े जूते और कुछ खरीदते हैं। 10,000 के ऊपर मैंने अभी तक एडवेंचर या डेयरिंग नहीं की है, पता नहीं क्यों वो मेरा माइंडसेट है। हालांकि ये वेबसाइट्स पूरी तरह से सेफ और सिक्योर होती हैं, बट मेरा मेंटल ब्लॉक है कहीं ना कहीं, मैं 10,000 रुपए के वैल्यू के ऊपर की ट्रांजैक्शन बिल्कुल कंफर्टेबल महसूस नहीं करता हूँ। इसीलिए जो बड़े बड़े गैजेट्स हैं, फिर चाहे सेलफोन्स हो, टैबलेट्स हो या और कोई घर की चीजें हो, सामान हो, इवन तो अच्छे खासे डिस्काउंट्स मिल जाते हैं, बट आई गो टू ऑफलाइन शॉप्स और वहां से खरीदना पसंद करता हूँ। बट ये आपके कंफर्ट के ऊपर है। इनफैक्ट 11th December राइट GOSF स्टार्ट होने वाला है, GOSF बोले तो गूगल ऑनलाइन शॉपिंग फेस्टिवल,
एब्सोल्युटली, जो पिछले साल भी हुआ था यार, ये सब ब्लैक फ्राइडे और साइबर मंडे होते हैं ना यूएस में थैंक्सगिविंग के आसपास, तो उसी को इंडिया में रिक्रिएट करने की कोशिश गूगल और ढेर सारे सैकड़ों ई टेलर्स कोशिश करते हैं आपके लिए बढ़िया से बढ़िया डील्स लेके आने के लिए, एंड एवरीवन एंड देयर मामा चाचा भतीजा इज गोइंग टू बी इन जीओएसएफ सारी वेबसाइट्स। बट यहां पर अंकित की बात से, अंकित थोड़ा कंजर्वेटिव है इस मामले में, मैं थोड़ा बहुत ज्यादा लिबरल हूं इस मामले में। मैं पहले दिन से ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा हूं, जब से मेरा सैलरी अकाउंट बना था और सारी चीजें हैं, तो मैं ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ज्यादा करता हूं और इनफैक्ट ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बहुत करता हूं। कुछ सेफ्टी बेसिक चीजें ध्यान में रखें, जब भी कभी आपका ब्राउजर या कहीं भी कुछ सेव दिस पासवर्ड टाइप डिस्टर्ब ना करो, जरूरी बात हो रही है। तो सेव पासवर्ड कभी भी किसी ब्राउजर के ऊपर ना करें, सेव यहां पर होना चाहिए ब्राउजर के ऊपर नहीं। पासवर्ड अलग अलग वेबसाइट के लिए अलग अलग बनाएं, और साथ में जो ब्राउजर की कुकीज होती हैं उसे एक थोड़े अंतराल के ऊपर आप डिलीट करते रहें। तो ये सारी चीजें हैं, और एक अच्छा एंटीवायरस इंस्टॉल करके रखें, ऑनलाइन शॉपिंग सेफ होती है। कुकीज मत बोल यार, बहुत भूख लगी है। एनीवे, भूख बाद में निपटाएंगे, अभी एक बहुत जरूरी सवाल रे जॉन ने पूछा है कि ये जो नया फेसबुक मैसेंजर ऐप है, इसे लॉग आउट कैसे किया जाता है? रिकॉर्ड हो रहा है ना रे जॉन? हाँ हो रहा है। लोग हम पैरानॉइड अबाउट दिस ड्यूड, पता नहीं तो बैटरी कम है इसकी, इसलिए। रे जॉन साहब, जो आपने सवाल पूछा है, ये आप ही नहीं, नौ देश की पुलिस इस सवाल को पूछ रही है कि कैसे लॉग आउट किया जाता है फेसबुक के नए मैसेंजर ऐप से। एक सेकंड, हु यूजेस फेसबुक मैसेंजर? प्लीज, बहुत लोग यूज करते हैं, रे जॉन यूज करता है, मैं यूज करता हूँ, बहुत सारे लोग यूज करते हैं। हालांकि नए इसमें फीचर्स काफी अच्छे हो गए हैं, पर फेसबुक प्लीज लगता है लॉग ऑफ का बटन या ऑप्शन देना। यू कांट लॉग आउट, मतलब आपको फेसबुक ऐप से लॉग आउट करना पड़ता है। आपने अगर एक अकाउंट से उसमें लॉग इन कर लिया तो आपको अगर लॉग ऑफ करना है तो उस ऐप को डिलीट करना पड़ेगा। आर यू सीरियस? वेरी मच। Okay, that's really retarded. Mark Zuckerberg, what is going on? वो लगता है शायद उसका जो next update आएगा या आने वाले दो तीन update में इस चीज को solve कर लें, पर अभी तो log off करने का कोई उपाय नहीं है इस moment पर, इस तारीख को, इस वक्त तक। हमारे वीडियो पोस्ट करने के बीच में जो बीच का वक्त होता है उसमें कुछ आगे समझ सकता हूँ। अगला सवाल दीपक यादव ने पूछा है, क्या आप बता सकते हैं कि एप्पल ऐप परचेज करने के लिए कौन से बैंक के साथ पार्टनरशिप है? प्लीज हेल्प मी। ऐप परचेज करने के लिए किसी भी बैंक के साथ पार्टनरशिप नहीं होनी चाहिए, बस आपका एक वैलिड क्रेडिट कार्ड होना चाहिए या डेबिट कार्ड, हाँ वीजा या मास्टर कार्ड, वो तो सभी होते हैं खैर, तो उनके थ्रू होना चाहिए और आप रजिस्टर करा देंगे। वैलिड क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड है आपके पास तो आप किसी भी बैंक का चलेगा यार। हाँ, किसी भी बैंक का, किसी भी बैंक का। और अगर ये क्वेश्चन आपने कुछ गलत, अगर मैं समझ रहा हूँ कि टाइप किया है, अगर आप कुछ आईफोन 5S की रिलायंस की स्कीम के साथ कुछ अगर उसको मैच करना चाहते हैं बता दो, तो वो उसमें उन्होंने कुछ बैंक के साथ टाइप किया है जिसमें सिटी बैंक है, आईसीआईसी बैंक है, एचडीएफसी है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड है, और भी एक बैंक था जिसका नाम ध्यान नहीं आ रहा है, चार बैंक तो हैं, तो वो भी चीज है। पर अगर एप्पल ऐप परचेज के लिए ऐप स्टोर से आईट्यून्स की मदद से, सिर्फ एक वैलिड क्रेडिट कार्ड चाहिए, किसी बैंक का चलेगा। यू नो एक वेरी कूल क्रेडिट कार्ड के बारे में, इनफैक्ट गेटर लाइफ पे इस हफ्ते मैं बता रहा था, देयर इज अ प्रोटोटाइप, देयर इज अ कंपनी कॉल्ड कॉइन, बोले तो सिक्का। ओके, कॉइन एक प्रोग्रामेबल क्रेडिट कार्ड है अभिषेक, जिसके अंदर आप जितने चाहे उतने अनलिमिटेड नंबर ऑफ डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स, लॉयल्टी प्रोग्राम कार्ड्स, डाइनर कार्ड्स, ये सारे प्रोग्राम कर सकते हो। सो आपके वॉलेट में, आपकी जेब में सिर्फ एक कार्ड, यू ओनली कैरिंग वन कॉइन कार्ड, एंड द कूल पार्ट इज इट्स गॉट अ टाइनी मोनोक्रोमैटिक एलईडी डिस्प्ले और एक बटन है। आपको बिल आया, आपने उस बटन से बस दबाते गए, जो भी आपको कार्ड सिलेक्ट करना है वो आपने सिलेक्ट कर दिया, उसका वहां पे थोड़े इसमें दिख जाता है, जैसे जैसे आईसीआईसीआई या देना बैंक या एसबीआई या जो भी है, या अगर डाइनर कार्ड होगा या कोई लॉयल्टी कार्ड होगा, उसको सिलेक्ट कर दिया, वो आ गया, उस पर यूज हो गया। साथ ही इट रन्स ऑन अ वेरी वेरी लो वोल्टेज ब्लूटूथ। गलती से मिस्टेक हो जाती है कितनी बार भैया, अपना कार्ड रह जाता है रेस्टोरेंट में और फिर बाहर से पूरा यू टर्न मार के आना पड़ता है। आपके आईफोन के ऊपर इसका ऐप है, जैसे ही आपने कुछ 20 या 25 मीटर दूर चले गए कार्ड से, आपके आईफोन पे सायरन बजने लगता है, भैया अपना कार्ड भूल गए, गजनी मत बनो, वापस जाके लेके आओ। कब रहा है? हाउ ऑसम। $55 का आप अभी खरीद सकते हैं। कॉइन की जो वेबसाइट है, चेक इट आउट ऑनलाइन, एंड अभी तो यूएस में ही है तो अभी प्री ऑर्डर चल रहा है, अगले साल मतलब अभी से प्रोडक्शन शुरू हो गया, अगले साल से शिपिंग होना शुरू हो जाएगा। बट इंडिया में जो कार्ड्स आने वाले हैं, नेक्स्ट जनरेशन के डेबिट टू क्रेडिट कार्ड, हमने कुछ दिन पहले देखा था आईसीआईसीआई बैंक का एक बड़ा कूल सा कार्ड आया था जिसके पीछे पिन नंबर आपका आता है, जितनी बार आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो वो पिन नंबर चेंज होता है। आईसीआईसीआई कार्बन उसका नाम, आईसीआईसीआई कार्बन नाम के। तो ये क्रेडिट कार्ड भी जल्दी आप लोगों के हाथ में आएंगे।
डैम कूल स्टफ हैपनिंग यार, वेरी कूल. ऑलराइट, हो गए सवाल इतने? सवाल इतने ही थे, तो अभी के लिए बस इतना ही. अगले हफ्ते पक्के से करेंगे टेक दरबार. ओके, मीनवाइल गाइस शो अस सम लव यार. टेक गुरु पेज पे तो आप चुम्मेश्वरी रिस्पॉन्स, चुम्मेश्वरी एंगेजमेंट इंटरेक्शन होता है. आवाज ओवरड्राइव विच इज द नया शो, ऑटो शो है, जिसे अभिषेक भी करने वाला है और बाकी टीम मेंबर्स भी जो सीएनबीसी आवाज के वो करें. हाँ, आई विल बी होस्टिंग इट बट विद अ होल टीम ऑफ पीपल लाइक अभिषेक, शिवानी, साथ ही ओवरड्राइव मैगजीन से जो हमारे बर्ट्रिंड और शूमी, ये जो लोग हैं जो वेटरन्स हैं इस स्पेस के, सबके साथ बहुत ही फन, बहुत ही यू नो यूथफुल शो होने वाला है. एंड ऑफ कोर्स इट्स गड्डी शड्डी यार, बाइक शाइक, तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है. वी गोना बी डूइंग दैट. तो facebook.com/awazoverdrive प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, आप खुद लाइक कीजिएगा. एंड इसके साथ ही एक और चीज पर आपको लव दिखाने की थोड़ी सी जरूरत है, जो कि हम लोगों का अम्ब्रेला है बेसिकली, जिसके अंदर ओवरड्राइव, टेक गुरु, हम सब आते हैं, सीएनबीसी आवाज, और क्योंकि वहां पे एक बड़ी कूल चीज करते हैं यार हम लोग रोज, बड़ी मेहनत करके यूट्यूब के ऊपर वेब एक्सक्लूसिव, जैसे टेक दरबार आप लोगों के लिए वैसे रोजाना की वेब एक्सक्लूसिव होती है. फिर वो मार्केट का पंचनामा नाम से एक बहुत ही बढ़िया चीज शुरू की है, जिसमें एक मिनट के अंदर दिन भर के पूरे मार्केट का हाल आपको जानने को मिल सकता है. हमारे भी बता देते, बड़े कूल है, बड़े कूल है. मतलब वो वैसे तो मार्केट बड़ा गंभीर सब्जेक्ट होता है, बट ये जो है ना जनाब, माय गॉड, इतने बेस्ट तरीके से आपको समझा देते हैं क्या उतार चढ़ाव हो गया, किसका स्टॉक चल गया, क्रिकेट और मूवीज के तड़के के साथ. और इसके साथ ही हम लोगों का जो टेक न्यूज अपडेट्स जो हैं वो भी उसी चैनल के ऊपर हम लोग अपलोड करते हैं. और साथ में जल्द ही आने वाले दिनों में पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, इन सारी चीजों से रिलेटेड काफी चीजें उसके ऊपर सिर्फ एक मिनट में आपको जानने को मिलेंगी. एब्सोल्युटली. सो दैट्स इट ऑन टेक दरबार इस हफ्ते. रियली सॉरी, काफी देर लग गया इस बार, बट लाइक वी टोल्ड यू, बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड थे हम लोग, एंड बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग भी शुरू होने वाला है हम लोगों का. बट वी विल कीप गेटिंग टेक दरबार फ्रॉम एवरीवेयर, ये अपन का वादा है बॉस. चलो, तो वादे के साथ अभी लेते हैं आपसे विदा, अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड. अभी बजाऊं क्या मैं? हाँ, बजाओ. चलो बजाई दो, आज सुना दो इसकी क्वालिटी. अभी ऑफिस से सब हकाल देंगे हम. अभी ये जाबरा भी सुनाना पड़ेगा, पूरे ऑफिस में हम लोग ही शोर मचा देंगे. नहीं, जाबरा बजाना पड़ेगा, एंड सब लोग जाबरा सोलमेट मिनी, जाबरा भी बजाओ. हाँ, थम्बा. क्या गाने हैं यार प्रीतम दा के. ओहो हो, प्रीतम नहीं किया है ना म्यूजिक इसका, राजकुमार का. हमें तो शाहिद कपूर नजर आता है और मिक्का सिंह. ये ऑन है, ऑफ है? ऑन है. कनेक्टिंग में दिक्कत आ रही है शायद, इसकी बैटरी खत्म हो गई है. एमकेटी सुन लो, नहीं हो रहा है यार ये. कट करें. हाँ.